बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों में पठन पाठन की व्यवस्था बेहतर किए जाने को लेकर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरह से गंभीर नजर आ रही है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को ड्रेस के साथ स्कूल बैग, जूता, मोजा व मिड डे मील योजना के तहत मध्यान्ह भोजन की भी व्यवस्था की गई है, जिसके आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसी योजना के तहत मंगलवार को नगर क्षेत्र के इंग्लिश मीडियम के प्राथमिक विद्यालय में स्कूली छात्रों को उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड के निदेशक मार्कंडे राय द्वारा स्कूल बैग और ड्रेस का वितरण किया गया। इस दौरान स्कूल की प्रधानाचार्य सुधा राय, स्थानीय पार्षद रमेश यादव सहित स्कूल की अन्य शिक्षिका व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए पैक्स फेड के निदेशक मार्कंडे राय व विद्यालय की प्रधानाचार्य सुधा राय ने कहा, अध्यापिका महोदय से कहूंगी कि हमारी सरकार, पूज्य योगी जी की सरकार, जो गरीब बच्चे हैं प्राथमिक विद्यालयों में, उनके शैक्षणिक स्तर को ऊंचा करना और बड़े परिवारों के बच्चों के लिए जो कॉन्वेंट स्कूल में सुविधाएं हैं उसको प्रदान करके इन बच्चों का शैक्षणिक स्तर को ऊंचा करने का प्रयास कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी की ही देन है, जिन्होंने ये बच्चों का ड्रेस निःशुल्क, पुस्तक, बैग, शूज, मोजे इन्होंने जो दिया गुणता से सहित, ऐसा है कि जो देखने में अच्छा लगे। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि इन बच्चों का भी शैक्षणिक स्तर एक कॉन्वेंट स्कूल के बराबर होना चाहिए, उनको दिया जाना चाहिए। उसी क्रम में हमारी सरकार, योगी जी की सरकार चल रही है और आज देखने को मिल रहा है कि विद्यालयों में अच्छे परिवार के भी बच्चे आना शुरू कर दिए हैं और उनका भी, यहाँ के बच्चे जो गरीब परिवार हैं उनका शैक्षणिक स्तर, इन अध्यापकों के बलपन में भी टैलेंट है, उनके बलपन इनका शैक्षणिक स्तर ऊंचा हो रहा है। श्रीमती सुधारा प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय बनकटवा, 250 बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल है हमारा और आने वाले बच्चे भी ज़्यादा हैं। और आज हमने यूनिफॉर्म वितरण किया, 200 यूनिफॉर्म बच्चों को दिया गया, जूता, मोजा, बैग और बुक्स सारा आज वितरण हुआ माननीय मार्कंडे राय जी की तरफ से। और हम प्रतिदिन, हम लोग का एक कमिटमेंट होता है कि समय से आना, विद्यालय को सुचारू रूप से चलाना। मैं एक हेड, एक हमारी सहायक नीतू मैम और एक शिक्षा मित्र, बस तीन लोग हैं। बच्चे ज़्यादा हैं, आप देख रहे हैं उपस्थिति ज़्यादा है, परेशानी होती है, लेकिन फिर भी हम अपना 200% लोग 100% करते हैं, मैं 200% करती हूँ, मैं 200% देती हूँ और चलाती हूँ। और हमारे जैसे सर श्री बी एन सिंह, वो भी हम लोग का बहुत ही मार्गदर्शन, बहुत ही सहयोग करते हैं हम लोगों का। हमारे एन एस एस सर, वो भी हम लोग को समय समय पर जब भी फ़ोन करो सर, अपना जितना उनसे हो सके वो लोग सहयोग करते हैं। बाकी अध्यापकों की कमी है वो सर लोगों के बस का नहीं, सर वो कहते हैं कि वो शासन से मिलेगा, अध्यापक हमें चाहिए। अगर हमारे पास 5 सहायक होते तो विद्यालय और ही ऊंचाई पर होता, फिर भी हम कोशिश करते हैं, नित्य नई ऊंचाइयां छूने की कोशिश करते हैं। मगर विद्यालय की कंडीशन आप देख रहे हैं, मेरे बच्चों को देख रहे हैं कि